सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मिश्रण से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक बर्तन में 80 लीटर होता है, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया दो बार और दोहराया गया, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी है? 80 लीटर दूध है, उसमें से क्या किया, 8 लीटर दूध निकाला है। जैसे 8 लीटर दूध निकाल दिया गया और उसके बाद उसमें पानी मिला जाता है, तो जैसे पानी दूध में पानी मिला दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। और फिर अगला वाला दूध निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दूध नहीं निकलेगा, मिश्रण निकलेगा। और ये क्रिया पहले से एक क्रिया एक बार हुआ है, 8 लीटर दूध निकालेंगे और दो बार दोहराएंगे, मतलब ये टोटल कितना बार क्रिया हो गया, 3 बार हो गया। तो अब यहाँ निकालना है दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई। तो इसका एक ट्रिक है, दूध की शेष मात्रा निकालने का ट्रिक है, a इंटू 1 माइनस बी बाई ए इंटू ए। अब यहाँ पर समझेंगे a क्या है, b क्या है और a क्या है। a इक्वल टू का इक्वल टू होता है प्रारंभिक प्रारंभिक संख्या, बी बराबर निकाली काली या डाली गई संख्या, और एन बराबर कुल प्रक्रिया। अब देखते हैं इसको कैसे क्या है। अब एन है प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक में संख्या कितना था, प्रारंभिक में संख्या था टोटल कितना, बर्तन कितना था 80 लीटर है, ए क्या है 80 लीटर दूध है, 1 माइनस बी, बी क्या है निकालिया डाली गई संख्या। तो 8 लीटर दूध निकालना है, निकालना या डालना, ये जो प्रक्रिया होगा वो बी होगा। तो क्या होगा, 8 लीटर निकाली गई बटा ए, ए क्या प्रारंभिक संख्या, बटा प्रारंभिक संख्या कितना था 80। और कुल प्रक्रिया कितना हो रहा है, पहले 7 लीटर निकाल रहा है और ये प्रक्रिया दो बार हो गया, टोटल कितना हो गया 3 बार, 8 बार 8 यानी 80। अब यहां 10 10 में से किया 9 9 बटा 10 का पावर 3 80, नंबर 81 81 9 8 72 9 8 72 5 16 16 7 23 8 56 57 58 58 और ये 100 बटा में 100 है, 100 डालेंगे तो अंक का प्रश्न बन जाएगा। अब जो बच जाएगा वो दूध की पूछा था, दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई है, 58.32 लीटर अभी इसमें दूध रह गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पात्र में 100 लीटर शराब है, इसमें से 10 लीटर शराब निकाली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया, मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाली गई और फिर उतनी मात्रा में डाल दी गई है, नई मात्रा में डाले शराब तथा जल की अंतिम अनुपात क्या है। बंदी में शराब दुकान बंद है, शराब का दुकान खुला हुआ है, तो उसी पर एक क्वेश्चन है शराब से संबंधित, क्योंकि लोग पूरा बंदी में शराब पीने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, इसलिए शराब से आधारित एक क्वेश्चन है और आपको समझ में ज्यादा आएगा शराब से। देखते क्या एक पात्र में 100 लीटर शराब है। अब हम बताएं शराब की शेष मात्रा निकालना है, शराब की शेष मात्रा निकालने का, शराब की शेष मात्रा है कितना, निकालने का क्वेश्चन दिया हुआ है ए बाई 1 माइनस बी बाई ए इंटू ए, ए क्या है कुल मात्रा, यह कुल शराब कितना है 100 लीटर है, 1 माइनस बी क्या निकालिए डालिए कितना निकाला 10 लीटर निकाला है, टोटल कितना है 100। प्रक्रिया इसे कितना बार दोहराया, 10 लीटर निकाला सर और यह उतना ही पानी डाल दिया,
नौ का स्थान करेंगे 81 बटा 100, 100 से 100 करेंगे, कितना है शराब की शेष मात्रा है 81 लीटर शराब है। अब यहाँ करा क्या, शराब का जल का अनुपात पूछा है, शराब का जल का अंतिम अनुपात क्या है, तो यहाँ शराब जो है शराब और जल का अनुपात पूछा है, शराब और जल का अनुपात पूछा है, तो 100 लीटर है, 100 लीटर में से बचा कितना, 81 लीटर की शराब बचा है, 81 का शराब बच गया, पानी कितना बच जाएगा, तो 100 में से 81 को बचा देंगे 19 लीटर जल बच गया, सर यही शराब और जल का अनुपात है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर रेलवे एसएससी बैंक में देगा तो ऑप्शन छूटेगा नहीं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और जो लोग मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।